24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में जामा मस्जिद में अदा हुई जुमे की नमाज पुलिस के कड़े पहरे में। इधर भयंकर पुलिस फोर्स थी, तगड़े सुरक्षा इंतजाम थे। उधर तनावपूर्ण माहौल में संभल हिंसा के आरोपी सपा सांसद के पिता की एंट्री होती है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलुकुर रहमान बर्क जब जामा मस्जिद पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ मानो सारे कैमरे उधर ही घूम गए। ममलुकुर रहमान बर्क भी अब मस्जिद से बाहर निकले हैं, जो कि अपने अपने घर की तरफ जो जा रहे हैं। जिस तरीके से नमाजी अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी अब यहाँ से जो है निकलकर अपने घर की तरफ जो जा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है सीधे तौर पर कि हमने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर की है, लेकिन इसको लेकर के हालांकि जिस तरीके से संभल में आज जो है नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। इस बीच मस्जिद से नमाज अदा करने के लिए सपा नेता ममलुकुर रहमान बर्क को पुलिस मानो जकड़े नजर आई। संविधान के दायरे में हम काम करेंगे, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में हमने रिट कर दी है। हालांकि जब ममलुकुर रहमान बर्क आगे बढ़ते हैं तो मीडिया फिर से उनको घेर लेती है। जुमे की नमाज के इंतजाम को लेकर जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज FIR को लेकर सवाल होते हैं तो जवाब भी दिए जाते हैं धड़ाधड़। नमाज के दौरान थी, सही थी, कोई वाका नहीं हुआ। सर्वे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं नहीं कुछ ना, सर्वे को लेकर वो गलत तरीके से किया गया, क्योंकि 1991 में एक्ट पास हो चुका के 47 से पहले की उसमें स्टे हो गया है। सबूत भी रखे जा रहे हैं प्रशासन के जरिए, वो रखे जा रहे होंगे, हमारे पास भी सबूत है। कुछ पीसफुल हो गया, शांतिपूर्ण? हाँ शांतिपूर्ण हो गया। अब हम कोर्ट में अदालती कार्रवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी पूरे मामले की? हाँ हाँ, तो वही कार्रवाई होगी और हम वहीं पर संविधान के दायरे में कार्रवाई करेंगे। चार लोग जो मरे उनकी जिम्मेदारी? हाँ उनकी जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिट जो दायर करेगा उस पर प्रेशर पुलिस नहीं मिल आएगी और न उनको टार्चर किया जाएगा, न उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको पूरी आजादी होगी अपनी बात कहने की। आपके बेटे पे जो FIR हुई उस पर कुछ बोलिए कि? हाँ वो स्टे हो गया, उस पर स्टे हो गया। वो तो यहाँ थे भी नहीं, संबंध में नहीं थे, लेकिन ये ना तुर्क ने भी किसी की रिपोर्ट लिखाई ना पठान ने लिखाई, तो तुर्क पठान की लड़ाई का और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या कहेंगे? 10 दिन का समय और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो ये गैर कानूनी है बिल्कुल। जब 1991 बन गया 1991 में कि किसी को 1947 की कोई बात जो है वो नहीं बदली आएगी। आपको बता दें कि पिछले जुम्मे पर जियाउर रहमान बर्क जामा मस्जिद पहुंचे थे, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया था। वहीं 24 तारीख को सर्वे के दौरान जब हिंसा भड़की तो जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। वहीं आज हिंसा के बाद संभल की जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के पहरे में जुमे की नमाज अदा की गई। इधर जुमे की नमाज थी, उधर जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए निचली अदालत को इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लेने को कहा। वहीं लोअर कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को सील बंद करने का आदेश दिया। अब सर्वे रिपोर्ट सील बंद ही लोअर कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ममलुकुर रहमान बोले या जिस तरह की तस्वीरें नजर आई, इस पर आप क्या कहेंगे? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।